हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6:21 हुए हैं और यहाँ पे पूरी रात से बारिश जारी है माउंट आबू में, और आप देख सकते हैं कोहरा भी है यहाँ पे। चाय पीने के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद जैसे बारिश रुकते हैं यहाँ से होटल से चेकआउट करेंगे, उदयपुर की तरफ चलेंगे। हमें सुबह के 8 बजे हैं और आपको दिखा देता हूँ, बाइक वगैरह सब रेडी है, सामान वामान हमने पैक कर लिया है, तैयार हैं, हेलमेट वेलमेट सब, मास्क ले लिया है, और अब उदयपुर निकलेंगे। और उदयपुर यहाँ से लगभग 163 किलोमीटर्स है, तो 3.5 घंटे की जर्नी रहेगी। उदयपुर जाके मिलते हैं आपसे, ऑन द वे टू उदयपुर। और आप देखो पीछे ये नज़ारा कितना खूबसूरत, यहाँ पे रास्ते में सुबह सुबह का समय है, 8:16 हुए हैं एग्जैक्टली, और फोग आप देख सकते हैं, धीरे धीरे हम नीचे उतर रहे हैं अब, और इन दृश्यों ने मजबूर कर दिया है मुझे बाइक से नीचे उतर कर। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे बादल जाते हुए, देखो बिल्कुल वो सीन जो आप हिमाचल में एक्सपेक्ट करते हो, वो यहाँ राजस्थान में माउंट आबू से उदयपुर हम जा रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. अभी दोस्तों हम पहुंचे हैं सेई डैम पर, ये यहाँ से 69 किलोमीटर्स पड़ता है उदयपुर, और मैं आपको दिखा दूँ, देखो इसका व्यू। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट जाती हैं, एक्सप्लोर नहीं करते हम लोग, जाने अनजाने में पता नहीं होता इन चीज़ों का। बहुत ही खूबसूरत सीन यहाँ पर भी है, थोड़ा सा कच्चा रास्ता पड़ता ज़रूर है, लेकिन 1 किलोमीटर हाईवे से अगर आप आएँगे लेफ्ट साइड में जहाँ से मैं आ रहा था, वहाँ पर ये डैम है। अब जा रहे हैं फतेह सागर लेक, फतेह सागर लेक जा रहे हैं। धीमी धीमी बारिश, ड्रिजलिंग, मौसम बढ़िया है, उतना बढ़िया तो नहीं जितना माउंट आबू में था, लेकिन बढ़िया है। देख रहे हो स्पीड, लहरों से बात कर रहे हैं आज तो। हाँ भाई, सहेलियों के बाड़ी आ गए हैं, अरे यहाँ मैंने टिकट ले ली है हम दोनों की, और जा रहे हैं अब अंदर। चलो भाई, आधा इन्होंने अपने पास रख लिया। तो भाई सहेलियों की बाड़ी में आ चुके हैं, और जैसे ही यहाँ पे आए बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी है, डिस्टर्ब करने वाली बारिश नहीं है, मज़े देने वाली बारिश है। और सहेलियों की बाड़ी के बारे में बता दूँ थोड़ा सा आपको मैं, कि ये राजा संग्राम सिंह है, उनके द्वारा बनाया गया था, शाही परिवार की महिलाओं के लिए इसे बनाया गया। और यहाँ आप देख पाएंगे बहुत सारे फाउंटेंस हैं, काफ़ी सारे फाउंटेंस देख सकते हैं। फतेह सागर लेक के किनारे ये स्थित है, और बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must come. ये गवर्नमेंट का आता है क्या? हाँ सर, ASI का टिकट है। ASI? हाँ, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला है। अब हम चित्तौड़ किले के अंदर हैं, और
हमने गाइड कर लिया है ताकि मेरे को अच्छे समझ में आ जाए और आप लोगों को अच्छा समझ में आ जाए क्या क्यों चीज़ें हैं, क्या ऐतिहासिक महत्व है इस जगह का। तो बारीकी से हर एक चीज़ को जानते हुए चलेंगे। हाँ जी सर, कमागणी मेरा नाम। सबसे पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए आप। सबसे पहले सर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ। मेरा नाम राहुल कुमार होते हैं जी। साथ ही सर मैं एक RTDC से अपलोड गाइड हूँ। स्टार्टिंग सर मैं आप सभी के सामने राजस्थान से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको राजस्थान के बारे में या मेवाड़ प्रांत के बारे में नहीं बताता, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का इंपॉर्टेंस किसी के भी समझ में आने वाला नहीं होता है। इसलिए मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ। राजस्थान को सर हमारे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट मेवाड़ रहता है, सेकंड मारवाड़ रहता है, थर्ड हाड़ौती, फोर्थ शेखावाटी, फिफ्थ डूंडाल, सिक्स उपरमाड़, एंड सेवन्थ रहता है लास्ट एंड फाइनल बेराट। लेकिन अगर हम राजस्थान में किंग की बात करें तो दो तरह के किंग बताए जाते हैं राजस्थान में। फर्स्ट मेवाड़ प्रांत में चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़ में रहते सूर्यवंशी राजा। सेकंड मारवाड़ के अंदर में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर साइड में रहते थे चंद्रवंशी राजा। इसी आधारित उस किले के या उस जगह के फ्रंट गेट, फ्रंट डोर, प्रथम दरवाजे का नाम रखा जाता है सूर्यवंशी राजा होते थे। तो मेवाड़ के अंदर में हमेशा ईस्ट एंड साइड में जहाँ सनराइज होता है वहाँ पर सूरजपोल गेट के नाम से। सेकंड मारवाड़ के अंदर में चंद्रवंशी राजा हुआ करते थे, तो वहाँ के फ्रंट गेट का नाम चांदपोल के नाम से, जो कि वेस्ट एंड साइड में रखा जाता था। हमने अभी जिस एंट्री से पैलेस के अंदर में एंट्री किया है, इस पैलेस का ये बैक साइड रहता है। यहीं पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर हम गुजर रहे हैं, उस समय के अस्तबल हुआ करते थे। यहाँ पर घोड़े, ऊंट, गधे वगैरह जो यहाँ पे के नाम से जाने जाते थे वो यहाँ पर बंदे करते थे। फोर्ट हुआ, महल हुआ, मंदिर हुआ, मेवाड़ के अंदर में सभी का मेन एंट्रेंस हमेशा ईस्ट एंड साइड में रखा जाता था। जिसे पैलेस के मेन एंट्रेंस का नाम दिया जाता है त्रिपोलिया गेट, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं सामने की तरफ में, ये समय का सूर्यवंशी राजा होने के कारण सूर्यदेव को यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था, तो इसे सूरज गोखड़े का भी नाम दिया जाता है। सूरज गोखड़े। हाँ जी। अच्छा, इसका ये क्या चीज़ है? ये सर इस यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रॉयल फैमिली के चैम्बर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे स्टडिंग के अंदर में जनाना पार्ट एंड मर्दा पार्ट स्टूडेंट क्वार्टर से आगे आपको सबसे पहले आपको वही। ठीक है, देखते चलो अभी आज पूरा इतिहास आप याद कर लोगे, अच्छे से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पैलेस का मेन एंट्रेंस है सर, सामने आप जो देख रहे हैं इसे त्रिपोलिया गेट का नाम दिया जाता है। त्रिपोलिया गेट। हाँ जी। अच्छा, तो जिंदगी के अंदर में सर इस पूरे पैलेस को आज के समय में लाइट एंड साउंड शो का प्रोग्राम चलता है इसके अंदर में, जो कि 7:45 टू 8:45 का शो रहता है। लेकिन COVID-19 के कारण अभी 7:45 से 8:45 पर डे। लेकिन COVID-19 के कारण अभी यहाँ इस गार्डन नीचे वाले गार्डन में, अच्छा, अभी से स्टेप बंद किया हुआ है। अच्छा, उसी हिसाब में आप जो रूम्स देखते हैं टूटे फूटे से, ये सारे रूम रॉयल फैमिली के रूम्स हुआ करते थे, जहाँ पर रॉयल फैमिली से रहा करती थी। अच्छा, हाँ, ये क्या चीज़ है? सामने तरफ आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसे नौलखा भंडार कहते हैं, और इसी के पैरेलल आपको जो टूटा फूटा सा दीवार देखने को मिल रहा है इसे बनवीर का वॉल कहा जाता है। बनवीर कौन थे? बनवीर महाराणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के फादर जो होते हुआ करते थे उदय सिंह जी, उनके कजिन ब्रदर हुआ करते थे। अच्छा जी, चलो अब किधर बढ़ना है अपने को? वापस इसी रास्ते से चलना है और हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहता है मीराबाई का मंदिर, संत मीरा टेम्पल। हाँ, अब चलेंगे मीराबाई के मंदिर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 मिनट का रास्ता। एक मिनट का रास्ता ही। अच्छा, ये पूरा जो है ये फोर्ट कितने में फैला हुआ है? क्या 750 एकड़ के अंदर फैला हुआ है? 750 एकड़ में फैला हुआ है। इसका वॉल का लंबाई है 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर तक वॉल। अच्छा जी, और मछली की आकृति में इस पूरे फोर्ट का एक आकृति बना हुआ है। मछली की आकृति में पूरा फोर्ट बनाया गया है। और शैली की बात करें तो कछवाहा शैली इसके लिए की जितने भी आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलती है। बाइक लेके चलना पड़ेगा? बाइक लेके चलना पड़ेगा। तो अब अपन चल रहे हैं मीरा मंदिर। ये टिकट विंडो अब क्या क्लोज हो गया क्या ये वाला? नहीं, हाँ, ये लाइट एंड साउंड शो के लिए बनाया गया। अच्छा, लाइट वाला अभी कोविड कारण से बंद किया हुआ है। कोविड कारण बंद था ये मेन एंट्रेंस है। इसे नाम दिया गया त्रिपोलिया दरवाजा है। भैया सामने ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है। अभी इस किले का लास्ट एंड फाइनल दरवाजा आने वाला है, दरवाजा है और अंतिम दरवाजा बताया जाता है इसको। अभी हम फिलहाल राइट लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पूरा रेजिडेंशियल फोर्ट है ये। ठीक है, राजस्थान प्रांत के अंदर में हमारे 300 से भी ज्यादा फोर्ट है, लेकिन जिनमें से 3 ऐसे फोर्ट है जो कि रेजिडेंशियल फोर्ट के नाम से जाने जाते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट एंड जैसलमेर फोर्ट, जिनमें अभी तक लोगों का आवास स्थान है। इसीलिए यहाँ कौन रहता है? फिर हम सभी रहते हैं सर। आप सभी यहाँ फोर्ट में रहते हो? अच्छा जी, रेजिडेंशियल है। तो राइट में हमने ले लिया है और राइट में मॉन्यूमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है जी। मॉन्यूमेंट एरिया स्टार्ट हो जाता है। मॉन्यूमेंट एरिया स्टार्ट हो जाएगा इधर। ठीक है, अभी हम आ चुके हैं मीरा टेम्पल। अभी हम मैं मीरा मंदिर के अंदर हूँ। मीरा मंदिर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रतिमा आपको नज़र आ रही है ना, मीराबाई बैठी हैं चरणों में श्री कृष्ण के, ये तो 2002 में
बिरला जो कंपनी है बिरला सीमेंट उनके द्वारा ये मार्बल स्थापित करके और ये बनाया गया था, अदरवाइज तो पुराना यहाँ पे देखने को मिलता था। और यहाँ बताया जाता है कि मीराबाई के हस्बैंड जो हैं उनके द्वारा, जो भोजराज थे उनके द्वारा ये मंदिर निर्माण करवाया गया था इनकी भक्ति को देखते हुए। ठीक है, आप यहाँ पे देखें चीज़ों को, बाकी सारी मूर्तियाँ खंडित मिलेंगी, वो बताया ही भैया ने कि कैसे क्या इतिहास इसका रहा था। ये रैदास जी की चरण पादुकाएँ जो मीरा जी अपने साथ लेकर आई थी शादी होकर जब आई थी यहाँ पे, है ना, ये इनके गुरु जी हुआ करते थे, ये उनके चरण पादुकाएँ हैं और इन्हीं को गुरु रविदास महाराज कहा जाता है, रैदास जी को ही। अभी हम आ चुके हैं विजय स्तंभ, जिसे विक्ट्री टावर भी कहा जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में बात करेंगे कि विक्ट्री टावर के बारे में क्या खास है। चलो भी अंदर अब एंट्री लेते हैं इसके। तो यहाँ चढ़ने के लिए अलाउ करते हैं क्या? अभी कोविड 19 का अभी कुछ समय वरना जा सकते हैं ऊपर तक, है ना, चढ़ सकते हैं। 122 फीट की हाइट पर है और वैसे मीटर में 37.19 मीटर। हाँ जी, इसके टॉप फ्लोर के 9th फ्लोर की रूफ पर लिखा जाता है अरेबिक भाषा के अंदर में अल्लाह वट। आपको क्लियरली सुन गया होगा, 9th यहाँ पे मंजिलें हैं, 9 स्टोरी बिल्डिंग है ये कह सकते हो आप, इसको विक्ट्री टावर कहा जाता है। बताया गया कि गुजरात और मालवा को हराने के सेलिब्रेशन के लिए इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, भगवान विष्णु को समर्पित ये पूरी इमारत। और यहाँ पे बताया इन्होंने कि 9th जो इनकी स्टोरी है ना, वहाँ पे अरेबिक भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। थोड़ा सा ये बता दो भैया कि अल्लाह शब्द क्यों लिखा गया? अल्लाह शब्द इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जब अपने इंडिया के अंदर में कोई भी मुस्लिम या मुगल्स बैटल लड़ने के पर्पज से आते थे तो वो पूरे फोर्ट को या पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते थे, इसीलिए महाराणा कुंभा ने 1303 की अलाउद्दीन खिलजी की तबाही को याद रखते हुए 14th सेंचुरी में जब मेवाड़ के कैपिटल पर विजय स्तंभ टावर का निर्माण करवाया, तभी इसके टॉप फ्लोर पर उन्होंने अरेबिक भाषा के अंदर में अल्लाह वर्ड लिखाया, जिससे मुस्लिम्स और मुगल्स को पढ़ने में या समझने में आसानी रहे, उसे डिस्ट्रॉय या हानि नहीं पहुँचाई। अभी ये सती दरवाजा कहा जाता है, ईस्टर्न साइड में है ये। देखो भाई, वैसे तो ये पूरा ही देख रहे हो आप दूर दूर तक, ये पूरा ही जौहर कुंड हुआ करता था, लेकिन आजकल बस इसके समर्पित करते हुए केवल ये गार्डन रखा गया है यहाँ पे। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो गोमुख कुंड है, पद्मिनी को ये जो आप देख रहे हैं वो पद्मिनी महल है। हाँ भैया बता रहे हैं आपको, जहाँ पर रानी पद्मिनी को विवाह करके जब श्रीलंका से लाया जाता है तो गर्मी के 4 महीने बिताने के लिए रानी पद्मिनी के लिए उनके हस्बैंड के द्वारा दिए जाने वाला एक स्वरूप एक भेंट दी जाती है, जो कि इसे जल महल समर्पण कहते हैं। और इसी के नज़दीक में आपको जो बड़ा सा पैलेस देखने को मिल रहा है, इसे रानी पद्मिनी का दासी पैलेस सर्वेंट क्वार्टर्स हुआ करते थे, जहाँ पर सेविकाएँ रहा करती थी। रानी पद्मिनी पैलेस के अपोजिट साइड में ही आपको जो टूटा फूटा सा खंडित डिस्ट्रॉयड पैलेस देखने को मिलता है, जो रानी पद्मिनी दहेज में दो भाइयों को लाती है, दो वॉरियर्स को लाती है, जिन्हें नाम दिया जाता है गोरा एंड बादल पैलेस। अब हम लोग आए हैं अभी बैटल ग्राउंड, यहाँ पर युद्ध लड़े जाते थे और कहा जाता है कि मुगल लोग जब भी भारत में आकर कोई भी चीज़ जीतते थे तो उसकी वो निशानी जो कि जाके बताते थे अपने लोगों को कि मैं जीत के आया हूँ किला, तो उसके लिए वो बताया जाता है कि वो उसका जो दरवाज़ा होता है ना, फ्रंट डोर जिसको बोल सकते हैं आप, वो खाड़ के लेके जाते थे वहाँ से, वो एक साइन था कि उन्होंने वो चीज़ जीत ली है। ये है बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड कहा जाता है, युद्ध भूमि हुआ करती थी। हमें शुरू से बताया जाता है कि बैटल सनराइज टू सनसेट डिपेंड करता है, इसी कारणवश ईस्ट एंड साइड में पूर्व दिशा में ही बैटल भूमि रखी जाती है। सामने तरफ आप जो माउंटेन्स देख पाते हैं जो कि फेट है, अगर आपको अरावली माउंटेन्स देखना रहता है तो उदयपुर से स्टार्ट होता है, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कवर करने वाली माउंटेन इन्हें बिंदिया माउंटेन्स कहा जाता है, बिंदियास। और नीचे तरफ आपको छोटा सा जो विलेज देखने मिलता है, इसी दरवाजे का नाम दिया गया है सूरजपुर गेट के नाम से, सूरजपुर विलेज है, जो कि महाराणा प्रताप की जो सेना हुआ करती थी आदिवासी भील संप्रदाय, इसे राणा पुंजा के जो अपने जीवन रोजगार चलाने के लिए आज भी काफी सारे वर्क करते हैं। और ये आप सामने जो पूरा जंगल देखते हैं, इन्हीं में से हर्बल प्रॉपर्टीज लेके एक मेडिकेटेड दोहट पद्मिनी के नाम से फैशनेबल का पोशाक साड़ी बनाते हैं नाम का। ये आप देख रहे हैं टावर ऑफ फेम, जैन कीर्ति स्तंभ इसे कहा जाता है, 11th सेंचुरी में ये बनाया गया था। और अगर विजय कीर्ति स्तंभ से थोड़ा सा कंपेरिजन करें तो ये 7 मंजिला 7 स्टोरी की बिल्डिंग है और समर्पित किया गया है जैन संप्रदाय को,